कैसे हो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 20x40 का हाउस प्लान, एक छोटा सा हाउस प्लान। तो वीडियो अंत तक देखना, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं अपना प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मेजरमेंट लेंगे, प्लॉट साइज 20x40 का। उसके बाद से वॉल का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, मैंने इसका आउटर वॉल ड्रॉ कर दिया है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कितना बेडरूम आएगा, डाइनिंग कहाँ रखना है, किचन कहाँ रहेगा आपका, बाथरूम कितना रहेगा, स्टेयर कहाँ रहेगा, और इसमें आपका पार्किंग भी आएगा। तो मैं फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो के साथ बने रहो, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइज आपको। और ये पूरा हाउस प्लान मैंने वास्तुशास्त्र के गाइडलाइंस के हिसाब से रखा है। तो और इसमें आउटर वॉल आपको रखना है 9 इंच का, एंड इनर वॉल पार्टीशन वॉल 5 इंच का रखना है। अब मैं इसका स्टेयर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो स्टेयर का राइजर आपको रखना है 5 इंच का। 5 इंच से रहेगा तो आपके बच्चों के लिए और आपके माता पिता बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर स्टेयर पे आपको एक फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं उस पर फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा या PDF डाल दूंगा अपने साइट पे, जिससे आपको अपने घर में स्टेयर बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा और कम जगह में स्टेयर बनाने का सही तरीका आपको मालूम चलेगा। अभी ये अपना स्टेयर बन के रेडी हो गया है। अभी हम घर के अंदर जाने के लिए ये बना रहे हैं, इसका छोटा सा एक पावदान जो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए चढ़ने के लिए, घर के अंदर जाने के लिए। उसके बाद से देखो, ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे आपका वो बीच का पार्टीशन वॉल बन जाएगा। अब मैं आपको इसको कलर करके दिखाता हूँ, जिससे आपका वेंटिलेशन विंडोज और ये प्लान फुल अच्छे से दिखेगा आपको। अब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस हाउस में मैंने वेंटिलेशन का फुल ध्यान रख के डिज़ाइन किया है, जिससे आपके घर में हवा एंड लाइटनिंग बनी रहेगी, जिससे बहुत अच्छा है। विंडो का साइज आप 4x4 का रख सकते हो या 4x5 का रख सकते हो। चलो मैं अब आप इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मैंने डोर विंडोज वेंटिलेशंस मेन डोर ये शो कर दिया है, जिससे आपको अच्छा होगा समझने में। तो चलो अब मैं इसका डायमेंशन आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये मेन गेट से एंट्री करेंगे अपने हाउस के अंदर, तो यहाँ से अप। उसके बाद से ये पार्किंग एरिया, जिसका साइज मैंने रखा है 12x9 का, आराम से आपका कार बाइक पार्क हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से अपना ये बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 9x9 का। उसके बाद से अपना किचन, जिसका साइज मैंने रखा है 6x8x11। उसके बाद से अपना सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज मैंने रखा है 10x12x9। उसके बाद से अपना अटैच्ड बाथ कम लैट्रिन, जिसका साइज मैंने रखा है 5x6 का। उसके बाद से अपना कॉमन बाथ एंड लैट्रिन, जिसका साइज मैंने रखा है 6x5 का। एंड नाउ और डाइनिंग कम ड्राइंग हॉल, जिसका साइज मैंने रखा है 12x9x15x11 का, बेहतरीन डाइनिंग कम ड्राइंग होगा।
उसके बाद से आप ये स्टेयर मैंने रखा है 9 फीट 9 इंच का और इसका चौड़ाई रखा है 7 फीट का, तो ये बेहतरीन स्टेयर होगा। प्लॉट साइज मैंने लिया था ये 20x40 का। तो कैसा लगा आज का प्लान गाइस? अगर प्लान अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसका बिल्डिंग का कॉस्ट मैं बता दूं, बिल्डिंग का कॉस्ट 10-12 लाख आपके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड कॉलम साइज आपका रहेगा 10x12 का, 16 mm सरिया 4 डालना है। तो यही है आज का प्लान गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सिविल इंजीनियर बहाट, और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस मिस ना हो, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में लाखों रुपए बचाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए हाउस प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।